दोस्तों, मैं सोनू शर्मा, सोनू शर्मा ऑर्गेनिक किचन गार्डन में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे। तो ये देखो दोस्तों, मैंने एक 5 चमत्कारी औषधीय पौधों की वीडियो बनाई थी, उसके लास्ट में मैंने जैसे ही ये एक 2 पत्ते खा करके दिखाए थे पत्थर चटा के पत्थरी के लिए, तो उसका रिजल्ट देखने को मिला कि इस पौधे के ऊपर 20-25 पत्ते लगे हुए थे, ये सारे खा चुके हैं। तो आज हम इनके लगाएंगे और पौधे, क्योंकि इनका फ़ोन आया भी मेरे को, ये पत्थर चटे के पौधे और लगा के दो। तो ये 2-3 दिन बाद इसका एक पत्ता खाते हैं सुबह चबा के अच्छे से। तो ये हम 1-2 पौधे लाए हैं, तो एक तो हम इसी के बीच में लगा देंगे। और जब भी पौधा लेना है तो सिंगल नहीं लेना, कम पत्तों वाला ना लेना। जिनके हमने पत्ते खाने हैं या जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो अधिक मात्रा में, और नीचे ये फुटा भी हो। तो एक तो हम ये लेके आए हैं पौधा, और एक ये देखो दोस्तों, इसके अंदर पत्ते देखो कितनी मात्रा में है। तो वो नर्सरी वाला बता रहा था कि हम 10 रुपये का पत्ता बेचते हैं अगर कोई लेने आए तो। तो ये पौधा हमारे को देखो जी 30 रुपये से ही पौधा वैसे तो मिलना शुरू हो जाता है, जैसे 50, 70, 80, 100 ऐसे पौधे हैं। तो मैं ये पौधा छांट करके लेके आया हूँ। ये एक ही पौधा पोट के अंदर लगा हुआ, देखो इसके अंदर ये जितने मर्जी पत्ते खाएँ, अब इनको पत्ते ख़त्म होने की कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो ये देखो दोस्तों, आप भी इसका एक बार इसका ज़रूर सेवन करें, पत्थरी के लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया इसका पत्थर चटे का पत्ता होता है। तो ये इसके अंदर देखो अब कितने पत्ते ज़्यादा वाला पौधा लाना है, क्योंकि इसके पत्ते आप नीचे से खाना शुरू करना, जैसे ये टहनी है तो ये ऊपर से पत्ते लास्ट में इसके ये हरे सांस लेने के लिए छोड़ देना। तो ये देखो इसके नीचे कितने और बच्चे निकले हुए हैं। तो ऐसे दोस्तों, इस कुदरत के साथ जुड़ने से ये है भी जो इसके अंदर एक रस होता है ऐसा, जो ये अंदर पत्थरी इकट्ठी होती है तो उसको ये साथ के साथ ही खोरता रहता है। अब हिंदी में खोरते रहते को देखो क्या बोलोगे आप, यानी काटता रहता है धीरे धीरे, उसको इकट्ठा नहीं होने देता। तो ज़्यादा मैं डॉक्टर तो है नहीं भी आपको बताऊँ उसके अंदर रस कौन सा होता है इंग्लिश के अंदर आपको बताऊँ। तो ये तो आप बस एक ये सोच लो, मान लो भी मैं ये आपको जो बता रहा हूँ इसका रिज़ल्ट है, और मैंने खा करके भी दिखाया। और मैं जैसे हम सुबह सुबह कोई पपीते के पत्ते का जूस पी लिया, ऐसे मतलब कुदरत के साथ जुड़ता रहता हूँ, और बिल्कुल इसके साथ सेहत सही रहती है, ना कोई गैस ना कोई पेट। तो ये पत्थरी का पौधा है, इसके बारे में आप और भी सर्च करके देख सकते हो पत्थरी का पौधा। तो ये पत्ते खाने में शर्माने वाली बात नहीं है कोई। तो ये देखो ऐसे ही इसके पत्ते से ही बच्चा पैदा हो जाता है, जैसे ये पत्ता नीचे आप लगाओगे तो ये पत्ते के साथ ये देखो जी ऐसे बच्चा पैदा हो जाता है। तो आप ये घबराओ मत, भी पता नहीं कितने महंगे पौधे हैं, ये थोड़ा हवा बनाया हुआ है। तो एक बार आपने लगा लिया तो ये आपके घर से ख़त्म नहीं होंगे पौधे। इस पौधे को आप देखो जैसे ही लगाओगे, ये पत्ता मिट्टी में दबाया और ये बच्चा आगे चल पड़ेगा। तो ये इसके अंदर पत्थरी ख़त्म करने का ये कुदरत का एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अपने को फ़ायदेदार एक चीज़ दी हुई है। तो मैं तो बार बार वीडियो में कहता हूँ कि अपने डॉक्टर खुद बने, तो ज़्यादा ही गंभीर कोई बीमारी आ जाए तो हॉस्पिटल जाना पड़े, नहीं तो ये नौबत ही नहीं आती। अगर आप कुदरत के साथ जुड़े रहोगे तो एक इसमें एक ऐसी शक्ति होती है जो आपको कोई दिक्कत नहीं आने देती। तो लगा दिया दोस्तों हम उस पौधे के साथ जिसके पत्ते खा लिए गए हैं, एक पौधा और लगा दिया, उसका एक बच्चा ये है साथ में और एक छोटा सा बच्चा और है। तो ये भी लगा दिए हैं सारे पौधे अपने एक गमले के अंदर। तो ये दोस्तों अब इसको डालेंगे पानी। कोई भी पौधा अगर आप लगाओ तो उसको लगाने के बाद पानी ज़रूर डालना है दोस्तों। ये पानी आप अगर नहीं डालोगे तो ये पौधा सूख सकता है, क्योंकि अब गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। तो इस मौसम में सर्दी में भी अगर लगाओ, जब भी पौधा लगाओ तो उसको साथ के साथ पानी डालना है। ये देखो एक बार शिफ्ट करने के कारण ये एक बार सिर फेंक रहा है ऊपर से, अब रात के अंदर ये सेट होकर के सुबह बिल्कुल मरेगा नहीं, पौधा सही हो जाएगा। तो पौधे शाम के टाइम ही लगाने चाहिए दोस्तों।